एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पेपर आता है जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल जो उसमें लिखा हुआ है, वो में आता फिर तो है, है। तो हर एक क्वेश्चन आता हो तो क्या करें जो क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ दे क्या ये समझदारी होगी तो फिर लगता है नहीं गेस वर्क कर लेते हैं गेस वर्क क्या ही है तो, ही तो है अगर सही लग गया तो मार्क्स मिल जाएंगे और अगर गलत लगा तो माइनस में मार्क्स चले जाते हैं और उससे बड़ी बात यह है कि आप बड़े बड़े टीचर्स को उठा लो चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वो बैंक का हो चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो कैट का हो वो कहता है कि आप तो लगाइए और अब सबसे शानदार बात यह है कि जो बच्चा एग्जाम देकर के आता है कहता है मैम मैंने तो पेपर में वर्क किया था और मेरे तो मार्क्स मिल गए मुझे उसमें मुझे तो लगता है वर्क करना चाहिए तो लगाना चाहिए और मैं भी यही कहती हूं भाई आप जितना जमकर तुक्का लगा सकते हैं एग्जाम में लगाइए उसका कोई नुकसान नहीं है बशर्ते आपको यह पता हो कि तुक्का लगाना एक्चुअली है क्या इसे कौन कौन लगा सकता है इसे कब लगाना चाहिए क्या सही तरीका है इसको लगाने का उसके क्या फायदे हैं अगर आप इन सभी सवालों का जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए बेनिफिशियल है आप सोचो ना आप इस वीडियो को यहां पर देखने के लिए आए हो तो आप इस थॉट के साथ आए कि अगर मुझे एक भी कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो मेरे काम की है तो मेरे लिए बहुत सही होगा और मैंने कोशिश भी यही करी है कि मैं आपको निराश डिसअपॉइंट ना करूं बस आपका एक छोटा सा काम है कि इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिएगा क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत पैनिक है और हर कोई बच्चा ये चाहता है कि वो अपने एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करता है ये वीडियो मैंने बहुत रिसर्च के साथ बनाई है बहुत सारे लोगों से रेफरेंस लेकर के बनाई है और ये बहुत ही प्यारी वीडियो है और जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये फील जरूर होगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए और आपको तुक्का लगाना कितना हेल्प कर सकता है सो लेट स्टार्ट विद सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है ये तुक्का देखो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं एक वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा बिंदास मस्त एकदम

नहीं निकल पा रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हो क्यों नहीं कर पा रहे हो क्योंकि सपोज अगर आपके पास एक सवाल आया हुआ है उसके चार ऑप्शंस हैं ये दोनों तो आपको लग रहा है बिल्कुल नहीं हो सकते लेकिन ये दोनों ऑप्शन में आप क्या हो गया हो कंफ्यूज समझ नहीं आ रहा कि फर्स्ट वाला होगा कि सेकेंड वाला होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये थॉट दिमाग में जरूर आएगा कि हमारे टीचर्स ने हमें कुछ चीजें स्पेसिफिकली बताई हैं जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ देर आर सर्टेन ट्रिक्स

मार्किंग हो गई तो इनके आए हुए मार्क्स जो इन्होंने मेहनत से कमाए थे वो चले जाएंगे तो आखिर ये तुक्का अप्लाई करें या ना करें सो so पहले तो ये सुन लीजिए कि, कि किन किन को तुक्का अपने एग्जाम में लगाना चाहिए देखो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है वो बच्चे जो बिल्कुल बढ़ते नहीं गए हैं एकदम कॉन्ट्राप्शन के भरोसे हैं जुगाड़ के भरोसे आएगा तो कर लेंगे नहीं आएगा तो नहीं करेंगे आप एक चीज सोचो ना यू पीपल आर नॉट इग्नोरेंट फूल एक से बारहवीं तक आपने पढ़ाई करी हुई है एक वर्ड शब्द बोलते हैं जाहिल नहीं है हम बारहवीं तक पढ़ करके आए और ट्वेल्थ तक का ही आपका सिलेबस जो है सी के एग्जाम में आना है थोड़ा बहुत तो गैस वर्क कर सकते हो कुछ तो पढ़ा होगा कुछ तो रिलेटेबल होगा कोई तो थॉट कनेक्ट कर रहा होगा जो आपको लगेगा नहीं ये नहीं हो सकता दूसरे वो बच्चे होते हैं इनको तो जरूर लगाना चाहिए याद रखिए दूसरे बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट पे जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत सारी करी हुई है थोड़ी बहुत सीख ली है थोड़ी बहुत आइडियाज उनको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई हैं और बहुत लेबर कर रहे हैं वो लास्ट में बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये अच्छा स्कोर कर लें तो अगर आप सोचो ना प्रैक्टिस करने वाले बच्चे चालीस में से बीस क्वेश्चन करके आएंगे और बीस क्वेश्चन छोड़ करके आएंगे तो कहीं ना कहीं तो एग्जामिनेशन में वो कंपीट करने के लायक नहीं होंगे ना तो अगर वो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन तो उनका स्कोर तो बढ़ ही सकता है तो स्कोर बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी अच्छी है तीसरा है वेल लर्न स्टूडेंट विटी स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बहुत मेहनत करी हुई है बहुत दिमाग लगा कर क्वेश्चन को कर रहे हैं लास्ट के पांच छह क्वेश्चन ऐसे हो गए जो तो समझ में नहीं आ रहे कंफ्यूज हो रहे हैं कहने के इस वक्त करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए आप सोचो अगर आप इतनी पढ़ाई करके बैठे हुए हो मॉक टेस्ट करके बैठे हुए हो आप ये बताओ क्या हर एक रूल पे रूल मतलब रूल टू रूल एकदम एग्जैक्ट कॉपी कैट क्वेश्चन सारे आपको मिल जाते नहीं कुछ ना कुछ आपको सवाल ऐसे जरूर मिलेंगे आपको या फिर के लिए जाना है। तो सिचुएशन में आपको वर्क करना ही करना पड़ेगा तो ये तीनों कैटेगरी के रीडिंग स्किल्स अच्छी हो तब आप वर्क कर सकते हैं आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए आप लॉजिक्स लगा पा रहे हो है ना कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है कौन सा नहीं करना है तीसरा अगर आपको अपनी रीडिंग स्किल्स और कैपेबिलिटी पे कोई संदेह नहीं है कोई शक नहीं है तो आप अच्छे से लॉजिक्स लगाइए अपनी रीजनिंग स्किल का इस्तेमाल करिए चाहे हिस्ट्री का बच्चा हो चाहे कॉमर्स का बच्चा हो चाहे साइंस में किसी भी चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बच्चा हो राइट हर एक बच्चे को ये चीज़ लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए एग्जाम में जिससे मैं मैक्सिमम स्कोर करूँ तो हर एक बच्चे को हर एक पेपर में रीजनिंग अप्लाई करनी ही पड़ती है सोचो so, कोई बच्चा है जो का 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 पेपर देने के लिए गया 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 है करंट अफेयर्स क्वेश्चन क्वेश्चन आ जापान जापान वही पूछ लिया गया। का कुछ नाम ऐसे होते हैं रिलेटेबल ऑप्शन दिए भी गए होंगे चार तो आपको लगेगा अच्छा ये वाला नाम थोड़ा थोड़ा जापनीज लग रहा है चलो इस पर टिक कर देते हैं ये वाला पार्ट इंडिया में नहीं है तो ये इंडिया के बाहर का क्वेश्चन है अगर तो लेट्स लेट्स रिमूव इट ऐसे करके आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं और आप उनसे एलिमिनेशन करते हो और एलिमिनेशन ही आपकी रीजनिंग स्किल्स को बढ़ाता है और ये आपको हेल्प भी करता है आपके क्वेश्चन को करेक्ट करवाने में ना मैम मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे मार्क्स ना चले जाए मैम जो जो हम करके आए हैं क्वेश्चन उनको अगर हमने गलत कर दिया तो फिर मेरे नेगेटिव में मार्क्स चले जाएंगे मैम फिर तो सभी बेकार हो जाएगा नहीं आप सोचो क्यों हमें इसके लिए जाना चाहिए इसके पीछे रीजन है लॉजिक है सपोज अगर आप इंग्लिश का ही पेपर ले लो इंग्लिश का पेपर आपका कितने क्वेश्चन आते हैं पचास क्वेश्चन आते हैं चालीस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? है ना और 40 आपका हर एक क्वेश्चन नंबर का होता है एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के लिए बैठोगे नंबर का होगा तो उस हिसाब से आपका दो सौ एग्जाम में चालीस में से तीन क्वेश्चन तीस क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत परफेक्टली सॉलिड आते थे आपको आपने वो तीस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और तीस के हिसाब आप से आपको एक सौ पचास नंबर मिल गए अब आप बैठ गए हो कि भैया आप क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि दस क्वेश्चन में तो मैं डाउट हो रहा है बट जस्ट थिंक ऑफ दिस कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करो जैसे डी हो गया बी हो गया जे हो गया है ना एम हो गया अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए और वहाँ पर कट ऑफ चली गई एक और आपने सॉलिड क्वेश्चन किए थे तीस जिसके हिसाब से आपके मार्क्स बन रहे थे पचास एक सौ पचास आप सोचो अगर कट ऑफ एक सौ पचहत्तर जा रही है और आपके एक सौ पचास नंबर आ रहे हैं तो आप तो वैसे ही कॉम्पिटिशन से बाहर हो कौन सा दिन मार लिया आप लोगों ने कि मैम मैं तो सॉलिड वो करके आता जो मुझे अच्छे से आते थे आपने तो अपने आप को कॉम्पिटिशन से वैसे ही बाहर कर लिया ना आपका होने या ना होने का क्या फायदा हुआ तो क्या इस सिचुएशन में लगेगा आपको आपको लगेगा ना ये कि काश हम वो दस क्वेश्चन और कर लेते तो एक भी सही हो जाता तो मेरी काफी हेल्प हो जाती कैसे सपोज अगर आपने देखो अगर आपने तीस क्वेश्चन किया आपको डेढ़ सौ नंबर मिल रहे अगर आप पैंतीस क्वेश्चन करते और पैंतीस के पैंतीस सही होते तब आपका एक सौ पचहत्तर नंबर आता है ना लेकिन एक सौ पचहत्तर एग्जैक्ट आता कुछ गलत भी हो जाते अगर आप चालीस क्वेश्चन सारे के सारे अटैम्प्ट करते तो आपके थोड़े ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। है ना इसके नियर बाय तो पहुंच जाते आप अगर सारे क्वेश्चन भी सही नहीं होते तो कैसे सपोज अगर आपने पांच क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए तीस के अलावा ठीक है ना हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए पांच नंबर हर एक गलत क्वेश्चन के लिए माइनस वन और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसके लिए जीरो देखो सपोज पांच में से कोई एक ऐसा आंसर था जिसमें आपका तुक्का सही लग गया और इसमें आपको प्लस फाइव मार्क्स मिल गया यह गलत हो गया यह गलत हो गया यह गलत हो गया यह गलत हो गया और इनके लिए माइनस 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 वन मार्क्स मिल गया प्लस फाइव माइनस वन माइनस फोर कितना आ गया एक नंबर आप अगर पांच क्वेश्चन कर रहे हैं एक सही हो रहा है तो आप एक नंबर के प्रॉफिट में हैं अब आप सोचो अगर आपके ये दो क्वेश्चन सही हो जाते आपको यहाँ पे दस नंबर मिल जाते और अगर आप ये तीन नंबर माइनस भी कर लेते तो आपके पास सात नंबर होता तो जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे आपके मार्क्स मिलने की आपको जो पॉसिबिलिटी है वो भी ज्यादा हो जाएगी तो क्या ये लॉस दिख रहा है आपको हाँ अगर आप ये पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको जीरो नंबर मिलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस और अगर आप ये पांचों के पांचों क्वेश्चन तो से 150 में से जिसका मिल करके आपको नंबर मिल जाएगा तो आपको लगेगा वो पांच नंबर बचा लूं। वो पांच नंबर बचाने से कोई फायदा हो रहा है कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तो वैसे भी नहीं पहुंच पा रहे तो कोशिश ये करिए कि आप तुक्का लगाइए अगर आपने दस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और आपके तीन क्वेश्चन सही हो गया तो पंद्रह नंबर आपको ऐसे ही मिल जाने सात नंबर चले गए तो क्या हुआ है ना पंद्रह में से सात जाएंगे तो भी तो बेनिफिट में ही हो तो आपको तुक्का लगाना चाहिए क्योंकि आपका कोई लॉस नहीं हां किस्मत बहुत ही बेकार है हमने क्वेश्चन uh, बिल्कुल भी नहीं आता था, था तब तुक्का लगा दिया तब गड़बड़ हो सकती है कि माइनस में मार्क्स चले जाए लेकिन अगर किस्मत के भरोसे नहीं बैठे हो अपना दिमाग लगा रहे हो थॉट प्रोसेस लगा रहे हो वो लगा करके आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है कि आपको उसमें नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे लास्ट थिंग दिस जब आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं तब आप जाते हैं के लिए। ऐसे कभी भी किसी क्वेश्चन के लिए मत जाइएगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो आप कोई गेस वर्क नहीं कर सकते हो मतलब आपको एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन लग रहा है तब आप उसके लिए मत जाओ फुल्ली ऑन गेस yes पे नहीं रहना हाँ 50 50 का डाउट है ऑड वन आउट कर सकते हो वो जो मैंने आपको दो तीन ट्रिक्स बताई उनको अगर अपलाई कर रहे हो लॉजिक्स लग पा रहे हैं तो उसके हिसाब से बेस्ट सुटेबल आप एलिमिनेट कर सकते हो अदरवाइज नहीं बिल्कुल जीरो वाली सिचुएशन में आप मत करना दूसरा कोशिश करना कि अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी हुई है आपने पढ़ाई अच्छे से करी हुई है तभी आप लॉजिक्स के लिए जाओ तभी आप एलिमिनेशन के लिए जाओ अगर आपने अच्छे से पढ़ करके नहीं रखा हुआ है आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पे हो तब आप गेस वर्क के लिए जा रहे हो तो आपको यह नुकसान दे सकता है तो क्वेश्चन को रीड करना प्रॉपरली बहुत ज्यादा जरूरी है बिना रीड किए अगर गेस वर्क आपने किया आपके पक्का चांसेस रहते हैं कि आपको माइनस मार्क ही मिलेगी बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपका वो सही होगा लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है ऑप्शन को अच्छे से पढ़ा है तब जाकर के आप गेस वर्क कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके आंसर सही हो रेस्ट वो लोग जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कोशिश करिए कि अभी आपके पास तीन चार पाँच दिन जो भी बचे हुए हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और उसमें अपनी रीजनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने लॉजिक्स को लगा करके एलिमिनेशन करने की कोशिश करिए अगर यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन में गेस वर्क कर रहे हैं और आपको पाँच छः क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जिसमें आपका गेस वर्क सही हो रहा है तो आपके लिए यहाँ पर एक नॉड आपको मिल जाती है कि आप एग्जाम में भी गेस वर्क कर सकते हो राइट right? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप गेस वर्क करिए और गेस वर्क सही समय पर करिए और गेस वर्क आप कब करेंगे गेस वर्क आप कब करेंगे जैसे आपने मान लीजिए 40 क्वेश्चन किए उसमें से आपने 35 क्वेश्चन शॉर्टी के साथ किए पांच क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे और आप सोच रहे थे कि चलो गेस वर्क करने की कोशिश करता हूं तो अगर उन पांच में से एक भी क्वेश्चन सही हो गया तो आपको एक नंबर का तो बेनिफिट होना ही होना हाँ ये बिल्कुल इस थॉट के साथ मत जाना कि मेरे ही गलत हो जाएंगे क्योंकि अगर आप थोड़े भी सेंसिबल हो थोड़े भी पढ़े हुए हो और अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगा करके कुछ ना कुछ, कुछ लॉजिकल स्किल्स लगा करके आप मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को जरूर से जरूर टेक कर पाओगे और एक भी सही हो गया तो आप यहां पर प्रॉफिट में ही होंगे लॉस में नहीं होंगे ना कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है जब आपको तुक्का लगाना है तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गड़बड़ कर सकते हैं कई बार ऑप्शन होते हैं में में चार में से आपको तीन ऑप्शन ही नहीं होते हैं। और आपको लग रहा होता है ये पॉसिबिलिटी बना रहा है सबसे ज्यादा टू द पॉइंट होने की क्वेश्चन के तो आप उसको टिक करके आ जाइए थर्ड वन इज एलिमिनेट करिए ऑड वन आउट करिए है ना जितना ऑड वन आउट कर सकते हैं करिए जो आपको बिल्कुल लग रहा है ये चांस ही नहीं है इसका कोई कनेक्शन नहीं है उसको शॉर्टी के साथ रिमूव कर दीजिए एलिमिनेशन आपको बहुत हेल्प करता है चाहे रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन हो चाहे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन हो चाहे ग्रामर का क्वेश्चन हो बहुत मदद करता है आपको एलिमिनेशन में फिर आती है आपकी लॉजिकल स्किल्स रीजनिंग स्किल्स ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है होने की नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है

गेस वर्क करिए लेकिन गेस वर्क से पहले खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें और आप मुझे आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि क्या आपको ये वीडियो uh, जो है उसमें कुछ हेल्प मिली क्या आपको ये वीडियो ने थोड़ा भी एनर्जाइज किया और क्या आपको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ने के क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे मुझे आफ्टर द वीडियो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगी बट एट लास्ट अगेन अच्छा करके आइए मेहनत तो कर ही है आप लोगों ने अपना एग्जाम में हंड्रेड परसेंट देकर आई एम वेड श्योर अबाउट दिस की आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जरूर पहुंचेंगे थैंक यू